खबर मोतिहारी से है, जहां पर एक हवाई जहाज जब ओवर ब्रिज के नीचे फंस गया तो अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफरा तफरी ऐसी वैसी नहीं, लोग आके सेल्फी लेने लगे और हवाई जहाज को देखने लगे। मिली जानकारी के अनुसार एक कूड़े व्यवसायी ने मुंबई से ये प्लेन खरीदा था और ये प्लेन को जगह तक पहुंचाने के बीच ही ओवर ब्रिज के नीचे ये प्लेन फंस गया। जो तस्वीरें सामने आई है, पहले आप तस्वीरों पे नजर डालिए। हो गया काम तो भी ले लिया फिर उसका। रंजन जी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे रंजन बाबू, बहुत। आपको बता दें, पिपरा कोठी के ओवरब्रिज के नीचे ये जो हवाई जहाज जब फंस गया तो आम जनता का मुजावड़ा वहां लग गया और लोग सेल्फी लेने लगे और तरह तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पे बना के वायरल करने लगे। लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन ने एक बहुत बेहतरीन काम किया है और काम ऐसा वैसा नहीं, पहले तो कोशिश की कि ओवर ब्रिज के नीचे से इस एरोप्लेन को निकाला जाए, लेकिन नहीं निकल रहा था एरोप्लेन। जिसके बाद टायरों को पंचर करके इस एरोप्लेन को बाहर निकाला गया। उसके बाद इसको जहां जाना था वहां लेके आ गया। आपको बता दें, उसके बाद NH-28 पर लगभग 2 घंटे तक आवाजाही बंधित रही। प्लेन को एक ट्रक ट्रॉली से ले जाया जा रहा था। ओवर ब्रिज में फंसने के कारण, ये जो खबर है मोतिहारी की है, ओवरब्रिज में फंसने के कारण काफी ज्यादा दिक्कत भी हुई क्योंकि 2 घंटे आना जाना बंद था। एक कूड़े व्यवसायी ने ये प्लेन, आपको बता दें, मुंबई से खरीदा था। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने बहुत बेहतरीन काम किया है और जिस तरीके से उन्होंने प्लेन को बाहर निकाला और आम जनता को जो भी दिक्कत हो रही थी उसको सुधारा और बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद ये प्लेन ओवरब्रिज के नीचे से निकला। पिपरा कोठी ब्रिज के नीचे ये प्लेन फंसा हुआ था। ये जानकारी और तस्वीरें जो है मोतिहारी की है। चलिए, बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IVTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।